kids, how are you all? You all are fine, right? Welcome to the new academic year of your 4th standard. Myself, Jalpa Doshi, and here I am going to teach you Hindi subject. So kids, शुरू करते हैं लेसन 1 जिसका नाम है मिले नए दोस्तों से। सबसे पहले मिलते हैं हम कैन से जो पूर्वी एशिया से है। मेरा नाम कैन है, मैं शहर में अकेला रहता हूँ। आज पहली बार अकेला ही बस और रेलगाड़ी में सफ़र करने निकला हूँ। मुझे अपनी चाची के यहाँ दूसरे शहर में जाना है। तुम क्या सोचते हो, मैं ठीक से पहुंच जाऊंगा ना? मैं सही बस स्टॉप पर उतरा। अभी तक सब ठीक ठाक रहा, अब मुझे चाची के घर का रास्ता खोजना चाहिए। इस नक्शे की मदद से जो चाची जी ने भेजा था, मैं उनका घर खोज लूंगा। कैसे मिलने के बाद आइए हम चलते हैं अरब और मिलते हैं सेफ से। अरब में सेफ, मैं सेफ हूँ, मेरे किसान के एक छोटे से मरुद्यान में रहता हूँ। हमारे परिवार के पास बहुत सारे ऊंट और भेड़े हैं। मैं और मेरी बहन भेड़ों की देखभाल करते हैं। हम उन्हें चराने के लिए ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ वे आराम से खा पी सके और जहाँ भेड़िए, लोमड़ी, सांप और बिच्छू का डर भी न हो। अपना सब काम खत्म करके हम एक बड़े से तंबू में चले जाते हैं। सोचो हम वहाँ क्या करते हैं? हम वहाँ पढ़ना लिखना सीखते हैं। हमारे मरुद्यान में बस ये तंबू ही स्कूल है। तंबू में जाने के लिए अभी थोड़ी ही दूर चला था कि भेड़ों ने मेरे जाने का रास्ता रोक लिया। मेरी बहन तो पहले ही वहां पहुंच गई। वहीं खड़ी खड़ी हाथ हिलाकर मुझे बुला रही है। क्या तुम बता सकते हो कि भेड़ों के इस जमघट से मैं कैसे रास्ता बनाऊं? तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने भारत से बाहर निकलकर दो नए दोस्त बनाए, कैन और सेफ। बच्चों, कैन जो है वो पूर्वी एशिया के एक शहर में अकेला ही रहता है। दूसरे शहर में रहने वाली उसकी चाची जी के वहाँ वो बस और नक्शे की मदद से अपने आप ही पहुँच जाता है। जबकि सेफ रेगिस्तान के मरुद्यान में अपने परिवार के साथ रहता है, जहाँ पे सेफ बहुत सारे ऊंट और भेड़ों की देखभाल भी करता है और तंबू में बनी हुई स्कूल में अपनी दीदी के साथ पढ़ने जाता है। सो किड्स, इधर हम कैन और सेफ दोनों की रहन सहन में विभिन्नताएं देख सकते हैं। इस तरह संसार के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के रहन सहन भी अलग अलग पाए जाते हैं। हमारा भारत देश भी विभिन्न संस्कृति से बना हुआ है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं भारत देश कौन से कॉन्टिनेंट्स में आया हुआ है? यस, एशिया। कॉन्टिनेंट को हिंदी में महाद्वीप कहा जाता है। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में आए हुए देश बहुत ही विकसित माने जाते हैं, जबकि पश्चिमी भाग में आए हुए देश ज़्यादातर रेतीली ज़मीन से बने हुए हैं। इसीलिए तो दोनों जगह की अपनी विभिन्नता की वजह से कैन और सेफ की जीवन शैली में भी हमें फर्क दिखाई दे रहा है। बच्चों, आज का सेशन हम इधर ही समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में आप मुझे
मुख्य चार दिशाओं के नाम बताओगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।